हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं Z4 ऑटोमेटिक। ये गाड़ी गुड़गांव में सबसे पहली कार है। मैनुअल भी आता है इसमें और ऑटोमेटिक भी आता है। तो ऑटोमेटिक मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्कॉर्पियो N अगर आप प्लान कर रहे हैं देन गो फॉर ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आज हमने ये गाड़ी आपके लिए अरेंज की है। इन्वाइट करूंगी मैं इस कार के ओनर को, कौशिक सर को। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। आपने बहुत बार देखा होगा, इनका चैनल भी है। तो सर, अब हम लोग आपसे पूछते जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले ये कि इस कार पे वेटिंग कितनी थी? आपने यही बुक कराई थी? मैंने यही बुक की थी। मेरी डेट थी 12 दिसंबर से लेके 11 जनवरी 2023। बट थैंक टू महिंद्रा, एक दिन पहले डिलीवर होगी 11 दिसंबर को ही। 11 दिसंबर को आपको मिली? कोई मैंने अप्रोच नहीं लगाई, कोई किसी को फोन नहीं किया। मुझे लगा था गाड़ी 23 में लूंगा मैं रजिस्ट्रेशन के लिए, बट उन्होंने कहा भाई एक दिन पहले ले लो। आइए कौशिक जी, गाड़ी लेके जाइए। हां, एंड आई एम इन लव विद दिस कार, रियली। अच्छा, एक मुझे चीज बताइए, जो इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, क्रेज सबसे ज्यादा उसी का हुआ था कि उसमें ये है, उसमें ये है, इसमें काफी चीजें कम की गई है, तो आपको अट्रैक्शन नहीं आया कि थोड़े से पैसे और दे देते हैं? कितने की पड़ी है सर आपको ये? बताता हूँ, जितनी भी मैंने गाड़ियां ली है सारी टॉप एंड ली है, बट बिलीव यू मी मैंने सोचा आपके नीचे का मॉडल लेता हूँ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराऊंगा इसमें मैं, जो बेसिक चीज है इसलिए मैंने लिए। और आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप सरप्राइज हो गए मैंने कितने की पड़ी है। बताइए कितने की पड़ी है? 18,40,000 रुपए की मेरे घर पे आई है विद एक्सटेंडेड वारंटी। ओह वाओ, कितने साल की एक्सटेंडेड वारंटी? 1 ईयर, 4 हो गई अब। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा कौशिक जी, आप मुझे अब आप ही बताते जाइए, आप भी गाड़ियों के बहुत सारे रिव्यू करते रहते हो, बताइए क्या क्या चीजें अलग है हमारी टॉप वेरियंट और आपके बेस में जो आप करवाओगे भी? जी जी जी, है ना। चलिए, प्राइस में 6 लाख का फर्क है भाई, लेकिन सबसे पहले देखिए आप ये सामने देखिए, गाड़ी मेरी अंधी है, इसमें फॉग लैंप नहीं है, कोई LED नहीं, ऐसे दिए महिंद्रा ने। ये जो भी आप देख रहे हैं ये दोनों लैंप, ये आपके हेलोजन है, कोई LED नहीं है। फ्रंट पे ये इन्होंने स्टील दे तो दिया, बट ये क्रोम नहीं है। हाँ, ये हम करवाएंगे सब चीज़, और है ना? कोई कैमरा नहीं है फ्रंट पे, देख लीजिए मैम। राइट, यहाँ पर हमारी जगह खाली है। जी जी, ये फ्रंट है इसका, ये तो फ्रंट पे इन्होंने मोटा मोटा चेंजेस दिए हैं, और इसके अंदर अंदर तो बहुत सारे चेंज है। बैक साइड में कैमरा भी नहीं है। अच्छा, आप साइड में आते हैं, आइए आइए। साइड में व्हील कैप्स है, अलॉयज नहीं है? अलॉय नहीं है, 17 की, ये 17 इंच है, 45, 60 और 17। इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल नहीं है ये, आपको करने पड़ते हैं। जी जी जी, और देखिए मैम एक बहुत दिक्कत हो रही है भाई मेरे को, टॉप एंड से नीचे आने वालों को बहुत दिक्कत होती है, देख लीजिए। चाबी बार बार निकालनी पड़ती है, वो क्या होता है आपका सेंसर वाला बटन नहीं है भाई इसमें, ये ऑटो स्टार्ट नहीं है, ये बाहर से भी गाड़ी मतलब खुल तो जाती है लेकिन स्टार्टिंग में भी चाबी ढूंढनी पड़ती है, सारी जेबी चेक करनी पड़ती है, जो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। आपने हमेशा टॉप रखा है ना, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। जी जी जी, और भाई अंदर का इंटीरियर देख लो, बिल्कुल बेसिक ही ये हमारा, इसमें सारी आपकी मैनुअल सीट एडजस्टमेंट है, अगर सीट्स की बात करते हैं, और क्रूज कंट्रोल आपको मिल रहा है इसमें, ये चीज अच्छी मिल रही है आपको यहाँ पर, और बाकी सारे कंट्रोल्स हमारे ऑलमोस्ट सेम ही है। सारा प्लास्टिक है, देखो हार्ड प्लास्टिक है जितने भी आपने सामने देखे हुए, लेकिन लगेगा क्या आपको? हाँ, उसके अंदर हमें यहाँ पे लेदराइट मिल जाता है, थोड़ा सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं। जी जी, बट ये लुक उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन की है, पता नहीं चल रहा है, मतलब आपको फर्स्ट ग्लांस में मैं नोटिस नहीं कर पाई, मुझे लगा हाँ यस यस यस, ये देखिए मैम सारे पियानो फिनिश है उसमें, इसमें ऐसे ही है, वन टच दिया है। वैसे आपको लगता है ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं करती, नोटिस करने वाली होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती मैम, बिल्कुल भी नहीं। 6 लाख रुपए अगर हम थोड़ा कम देखें, और थोड़ा सा बहुत बेसिक से चीजें होती हैं, आई थिंक इतना तो चलता है। एक कैमरा लगाओ बस और बिंदास गाड़ी है ना। हाँ। और वैसे कौशिक जी, इसमें एक चीज आपको बेनिफिट है, जो कैमरा है ना वो आप अपना खुद लगवाना, जो महिंद्रा कैमरा लगा के दे रहे ना उसमें दिक्कत है, उसमें लैग है। मैंने थोड़ा सर्वे किया है, हाईएस्ट जो सबसे बेस्ट कैमरा मिल रहा है मुझे विद इंस्टॉलेशन 4,500 रुपीज का। अरे वाह, एक कनेक्टर लग रहा है पीछे, HD क्वालिटी, तो मैंने अच्छा नहीं आया मैंने यार। बहुत बढ़िया किया आपने। जी जी जी, अब तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ना लुक अगर हम एकदम से देख रहे हैं ना, तो आप कार में एकदम से समझ नहीं आ रहा आपको, उन्होंने इतना स्मार्टली इसको मैनेज किया है, इतना अच्छे से इंटीग्रेट किया है चीजों को, कि टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं लग रहा कि यार मैंने तो बिल्कुल सस्ती सी चीज ले ली। 6 लाख रुपए का फर्क आप कार में चाह कर भी नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, जो मेन डिफरेंस है वो आपको बताते हैं, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा। जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका लेआउट डिफरेंट है टॉप वेरिएंट से बेस वेरिएंट में, और ये आपका एनालॉग स्क्रीन है, बीच में आपका डिजिटल रीडिंग्स आती हैं।
जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका भी साइज़ आपका टॉप वेरिएंट के कंपैरेटिवली छोटा किया गया है। बाकी कंट्रोल्स आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देंगे, इतना ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ें नहीं है। और ये इस स्पेक्स के साथ भी, इस साइज़ के साथ भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर 6 लाख रुपये मेरे बच रहे हैं ना, बार बार मेरे दिमाग में वो 6 लाख घूम रहा है, 6 लाख अगर बच रहे हैं एवरीथिंग इज़ गुड। स्पीकर 4 है मैम, स्पीकर 4 है उसके अंदर, 8+4 है उसमें। अच्छा, उसमें 8+4 है, लेकिन साउंड सिस्टम बहुत अच्छा लगता है जो मेरे, मैं जैसा आदमी है। ओके, अच्छा इसके अंदर स्पीकर हमारे पास 4 है, टॉप वेरिएंट में 8+4 है, एक ये थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन आई थिंक आपको म्यूजिक में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल कर रहा हूं। ठीक है, आप भी सुनो। सनरूफ को हम मिस करेंगे, बेस वेरिएंट में ऑब्वियसली यहां पे तो नहीं दे सकते। मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि मेरी गाड़ी में पत्थर गिर गया था, आपको पता है सफारी में, इसलिए मैंने लेना ही नहीं थी। तो मेरे को सबसे बेस्ट ये लगा, और बिलीव मी जो डिसीजन मेरा था ना, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि यार गॉड की कितनी हेल्प है मेरे को कि मेरे पास ये गाड़ी आ गई है। सब है मुझे ये गाड़ी बहुत क्रेजी है, लोग इसके पीछे मिल नहीं रही है। मुझे तभी बड़ी हैरानी आई कि कौशिक जी ने ले ली है, बड़ी तभी तो मैंने आपसे बात की थी, मैंने कहा कौशिक जी सच में ले ली क्या? नहीं, वो नीचे वो लगाते हैं इसमें ना कुछ क्रोम व्रोम देते हैं, तो ब्लैक गाड़ी में क्रोम की जरूरत क्या है? ब्लैक तो ब्लैक होनी चाहिए, पूरी ब्लैक है गाड़ी। वो सर आपके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं कई लोगों के, कुछ आपको क्रोम सेगमेंट का थोड़ा सा लगवा लेंगे, लगवा सकते हैं आप आफ्टर मार्केट भी, और बाकी सब चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है बैक प्रोफाइल पे जो आप यहाँ पर मिस करने वाले हैं। और जबकि टेल लैम्प्स है ये, इसमें भी आपको LED मिलते हैं उसकी तरह, तो मुझे कोई फर्क ज़्यादा नहीं दिखाई दिया, अच्छी लग रही है कार। आप चला के देखना, मज़ा आ जाएगा। इंजन तो सेम है ना? सेम है, मैं इंजन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। हाँ नहीं, मैं तो बच गया कि मेरे यार पैसे काफी बच गए मैम। अच्छा, मेरे पास 19 लाख रुपए आए थे सफारी बेचने के बाद, तो मुझे 19 लाख खर्चने थे, 18,40,000 खर्च चुका हूँ विद इंश्योरेंस, 60,000 रुपए बचे हैं उसमें, अलॉय वलॉय जो आएगा भाई लगा देंगे और गाड़ी बन जाएगी भाई बिंदास। अच्छा, सफारी को देके आपने अपना स्कॉर्पियो एन को लिया? जी जी। सफारी आपने कितने की ली थी? मैंने 22.5 लाख रुपए की ली थी, XZ मैनुअल। अच्छा, उसे मेरे को दिक्कत क्या हुई थी, तो सनरूफ की दिक्कत थी, ऊपर से क्लच थोड़ा डीप था, तो फिर मेरे को मैनुअल भी थी, अब थोड़ा उम्र का भी तका जाए, टाइम बहुत ज्यादा है उसमें। हाँ, और ना ट्रैफिक जैम में वो मुझे प्रॉब्लम देती थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब क्या ऑटोमेटिक लेते हैं, और इतने प्राइस में मैम बचो ना, कम प्राइस में मैंने सफारी वालों के पास भी गया था, उन्होंने मेरे को दी नहीं गाड़ी। अभी सर की बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, कोई पॉलिथिन कुछ नहीं हटाया इन्होंने, वेरी नाइस। अच्छा सर, वो भी सब आपका मन है क्या, लेदर अपहोल्स्ट्री वगैरह? कुछ भी नहीं कराऊंगा जब तक ये खराब नहीं है। फैब्रिक में भी बड़ा मजा आता है, कंफर्ट मैम, वो मूवमेंट नहीं होती बॉडी की आपकी, है ना? ये अंदर थोड़ा सही है, स्पंजी है, ज्यादा खुश नहीं लग रहा है मुझे। मेरी वाइफ बहुत खुश है। हाँ। वो डाउट में थी जब मैंने गाड़ी मेरी आई नहीं थी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी भाई, इतना मतलब मैं परेशान हो गया था यार, ये गाड़ी बेस मॉडल है, लेकिन जब मैं मेरी वाइफ शोरूम पे गए हैं, बिलीव हिम, उछलते डांस करते हुए आए मैं घर तक। एंडेवर फॉर्च्यूनर का भाई वैसे तो कंपैरिजन नहीं है, पर हमारे लिए यही एंडेवर फॉर्च्यूनर है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसका कंफर्ट ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हमेशा फैब्रिक सीट्स में होता है ये। जी जी, फैब्रिक के साथ आपको कंफर्ट ज्यादा, तो थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है लेदर की वजह से ना। जी जी, यू आर राइट। मैट लगा लिया मैंने मैट लगा लिया। अच्छा, मैट लगा लिया आपने? जी जी। अभी तो आप लगाओगे 60,000, अभी तो आपने बात बता दी। अलॉय वाले फोन कर रहे हैं पंजाब से। अच्छा, वो 35 मांग रहे हैं, मैं 30 दे रहा हूँ। अलॉय चेंज कराएंगे? मैं 30 से ज्यादा दूंगा ही नहीं। वैसे ये अच्छा लग रहा है, पता? अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। आप बहुत सिंपल से हो, आप ज्यादा हाई फाई चीजें करते नहीं हो, मुझे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा खराब नहीं लग रहा, अच्छा डिजाइन दिया है, ठीक है, बट हाँ करा लेना थोड़े टाइम के। PPF कराऊंगा? PPF तो कराना पड़ेगा, ब्लैक तो बस एक 60,000-70,000 की होती है PPF। हाँ, तो आप बता देना कोई आपका अगर है तो बता देंगे आपको, ठीक है, जरूर बताएंगे। बाकी एकदम कार को देखने में, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। 2200cc का इंजन है मैम। हाँ, बस वो क्या 370 टॉर्क है इसका, और 170 BHP देता है, 175 सॉरी। उसमें भी 2200 ही है ना टॉप में, इंजन में तो कोई फर्क नहीं है। है। हाँ। भाई इसमें गाड़ी में दिक्कत है, देख लो मेरी बॉटल है, छोटी बॉटलें ही आ सकती हैं, वरना ये गेट खोलने के बाद निकलता मैम कई बार, तो जैसे ये निकालना है मुझे, तो मुझे गेट खोलना पड़ता तो ये निकलता, बहुत ही नैरो, ये पूरा यहाँ पे फंस जाता होगा। यस 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 यस, सफारी मेरे को ये दिक्कत नहीं थी, तो ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, जो मैं मैनेज कर लूँ, लेकिन है तो है भाई जो लेने वाले, छोटी नहीं है, कई बार हो जाता है। जी जी, पानी, जी गाड़ी चलाते चलाते पानी पीना ये करना है, दरवाजा थोड़ी खोलेंगे। वो मैं दो छोटी बोतल पहले दूँ, छोटी बोतल लगा दी मैंने, अपने छोटी लगा ली है, राइट राइट। हाँ, सफारी में बहुत आते हैं मैम स्टोरेज इसका सामने, फील ना जो इन्होंने मैनेज बहुत स्मार्टली कर लिया यार मैम, रियली इन्होंने ये जो दे के कलर कॉम्बिनेशन और ऐसा फील दिया कि लेदर लग रहा है। जी जी, आपको जब तक आप इसे टच नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, बताना पड़ता है मैम क्या फर्क है भाई इसमें प्लास्टिक का है। राइट राइट राइट, एसी बिंदास कूलर्स करता, अच्छा हो गया आपका
एसी इफेक्टिव है इसमें, म्यूजिक सिस्टम में थोड़ा सा बस चार, मगर मुझे वो लग रहा है कि बढ़िया सिस्टम है म्यूजिक का। अच्छा है ना, चलो सुनते हैं आज। हाँ, और ये जो ना ये इसमें कूल दिया इन्होंने, कूल ग्लोव बॉक्स। अच्छा कूल ग्लोव बॉक्स है हमारा। जगह बहुत कम है लेकिन पता नहीं महिंद्रा क्या करता है, जगह खा जाता है। महिंद्रा को कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत करना है ना यार, देखना पड़ता है बार बार ये लाइन। ब्लैक में ये टेंशन रहती है थोड़ी सी ना, गंदा बहुत जल्दी होता है ये। जी जी जी, बट वही है टेंशन बहुत है ब्लैक। और एक ब्यूटी देखो ना, ये ब्लैक है ये भी ब्लैक है। हाँ। टॉप एंड मॉडल में सिल्वर क्यों दे दिया ये ब्लैक है ये सिल्वर दिया उन्होंने, पर ये ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। हाँ। ये भी मैंने कल लगवाए हैं। ओके। तो इसलिए लाइन में कहता रैप कर दूं, पर किसी ने कहा कोशिश रहने तो ये सिल्वर भी अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा तो मैंने ये 1200 रुपए कल लगवा दिए इसने। आपको एक्चुअली सफारी वाले हो ना, उनको ऑल ब्लैक का अट्रैक्शन भी रहता है। हाँ, पूरा सब कुछ ब्लैक होना चाहिए ही नहीं, सिल्वर कुछ भी। तो चलो दोस्त, अभी कौशिक जी ना बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा सा इनको कुछ खिला पिला देती हूँ मैं। oh. और फिर हम लोग आते हैं इसके ड्राइव के साथ, और एक दो और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कौशिक जी हमें बताएंगे, और आपकी बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पार्ट 2 में मिलते हैं दोबारा। बाय।